मर गई तो उसके बाद चूड़ियाँ और साड़ी बांटने से क्या फ़ायदा, जिंदा होती थोड़ी रिस्पेक्ट कर लेते, थोड़ा प्यार कर लेते तो आज वो तुम्हारे बीच सही सलामत होती। जी हाँ, कुछ इन्हीं तरह के शब्दों के साथ, कुछ इन्हीं तरह के वाक्यों के साथ ट्रोल हो रहे हैं पवन सिंह सोशल मीडिया पर। अपनी फिल्म के सेट पर पत्नी नीलम सिंह के लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए एक छोटी सी पूजा रखी और उसके बाद प्रतापगढ़ में जहां हमार स्वाभिमान फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं पवन सिंह, वहां पर उन्होंने गांव की कुछ औरतों के बीच सुहागनों की हर चीज़, जैसे कि चूड़ी और साड़ियां और उससे रिलेटेड सारा सामान लोगों के बीच दान किया, कुछ मिठाइयां दान की। और ऐसे में ये सारे फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर उनके किसी फ़ैन ने पोस्ट कर दी। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें पोस्ट हुई, ट्रोलर्स ट्रोल करने लगे। उनका कहना था कि पवन सिंह ने अपनी पत्नी की कद्र की होती, उसकी अहमियत जानी होती तो आज पवन सिंह दुखी नहीं होते, पवन सिंह खुश होते, उनका एक खुशहाल परिवार होता। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इतने सालों में पवन सिंह ने अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि हर 8 मार्च को देते थे, लेकिन उसे कभी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते थे। लेकिन इस साल पहली बार उन्होंने इसे पोस्ट किया और ये कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षति है ये कि जो तुम मेरे साथ नहीं हो। इसे साफ पता चलता है कि पवन सिंह अपने जीवन की इस क्षति से कितने दुखी हैं। वहीं पवन सिंह के जितने सपोर्टर हैं उनके सपोर्ट में आए तो कुछ जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि पवन सिंह को ये सारी चीज़ें पहले ही समझनी चाहिए, अपने लोगों की अहमियत उन्हें समझ लेनी चाहिए। वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की बात करें, जो कि उनसे पिछले 1.5 सालों से अलग रह रही हैं, उनकी बात करें तो वो भी अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर सभी पर इन्होंने भी फ़ोटो पोस्ट की जो नीलम सिंह की, और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ में कैप्शन में ये भी लिख दिया कि जो आदर और सम्मान आपको जीते जी नहीं मिला, वो आदर और सम्मान आपको भगवान के चरणों में मिले। जिसके बाद तो भाई पवन सिंह के जितने और विरोधी थे वो और भड़क गए और पवन सिंह पर भद्दे भद्दे कमेंट करने लगे। और ज्योति सिंह के पोस्ट पर पवन के जो विरोधी थे उन्होंने ज्योति की पीठ तक थपथपाई कि आपने इतना बड़ा करेज किया, जो इतनी बड़ी बात बोली और सभी के समक्ष रखी कि किस व्यथा से नीलम गुजरी होंगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।